पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये रिजर्वेशन शुरू किया था, कोई अम्बेडकर साहब ने नहीं किया था। अम्बेडकर साहब तो इसका विरोध कर रहे थे। अम्बेडकर साहब ने तो ये कहा था कि ये जो है क्या कहते हैं वो इसके विरोध में थे। बड़ी मुश्किल से वो 10 साल के लिए माने थे आरक्षण, 10 साल के लिए। हाँ, अगर अम्बेडकर साहब रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये 10 साल के ऊपर नहीं हो पाता। अच्छा, आरक्षण देना नहीं चाहते थे बाबा साहब? नहीं, बाबा साहब आरक्षण के बहुत विरोधी थे। हाँ, बाबा साहब तो ये कह रहे थे कि आरक्षण के विरोधी थे वो, आपको शायद मालूम नहीं है। अच्छा। बाबा साहब ने संविधान सभा में इसका विरोध किया था आरक्षण का। हाँ, उन्होंने कहा था आरक्षण नहीं, इनको आप क्या कहते हैं इनको ऊपर कीजिए, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में इनको मदद, आरक्षण मत, आरक्षण दे, जवाहरलाल नेहरू जी दिया। हाँ, आरक्षण देने से ये जो हैं मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, उनका ये कहना पॉइंट धरें कि अगर दलित पिछड़ों को आरक्षण दे दिया गया तो मेहनत नहीं, नहीं, उन्होंने जो ये कहा था, जो बाबा साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब, बाबा साहब। हाँ, मेरा अपना विचार ही, पार्टी का पक्ष, पार्टी का पक्ष भी ये है कि भाई जाति जनगणना से मतभेद बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि इसके बाद जब किसी की जाति का जनगणना ज़्यादा होगी तो लोग इस बात को कहेंगे कि भाई फिर हम जैसे जितनी आवाज़ नहीं उठती है दूसरी पार्टियों की, फिर कहेंगे जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी क्या कहते हैं हिस्सेदारी। हाँ। जितनी हमारी जात है उतनी हमारी हिस्सेदारी हो, तो वो एक लंबा काम है और वो अननेसेसरी खर्च वाला काम है। तो एक सब सवाल पूछेंगे कितने पढ़े लिखे हैं, उसमें पूछ देंगे कि किस जाति से हैं, तो सवाल इससे खर्चा कैसे बढ़ जाएगा। जातिविहीन समाज कर देना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। ये बात आपकी सही लगी। हाँ। जातिविहीन समाज कर देना चाहिए। जातिविहीन समाज में किसी को शक ही नहीं रह जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नेताजी लोग, ममता बनर्जी बंगाल में बोलती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, राहुल गांधी बोलते मैं जनेऊ वाला ब्राह्मण हूँ। सवाल ये है कि जब सब आप आरक्षण में ही रख लेंगे तो भाई जो लड़के मेधावी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, अब उसे कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? ओंकार नाथ सिंह जी से। इस पर क्या कहना है कि खेल रत्न पुरस्कार जो राजीव गांधी के नाम से पहले था, अब ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम से? देखिए, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से पुरस्कार हो, अवश्य हो, इसमें कोई दो राय नहीं, हम स्वागत करेंगे। लेकिन देश के ऊपर न्यौछावर करने वाले भारत रत्न, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बदलकर उन्होंने अपमान किया है, राजीव गांधी जी का और भारत का अपमान किया है। क्योंकि ये परिपाटी जो प्रधानमंत्री जी ने की है ये बहुत ही गलत है। एक तो ये सबसे बड़ी गलत बात यह है कि एक तो ये है कि उनकी ईर्ष्या को दर्शाता है कि गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति कितनी ईर्ष्या उनकी है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अगर यह काम शुरू हो गया तब तो किसी का नाम आगे रह ही नहीं पाएगा। दूसरी सरकार आएगी, वो पूर्ववर्ती सरकारों के नाम बदलेगी। तो ये जो है प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है और ये जलन और ईर्ष्या की राजनीति तो दर्शाता है। इसको प्रधानमंत्री की में जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनका कहना है कि देश की मांग थी, देश के लोग इस तरह की मांग कर रहे थे कि जो खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद के नाम से किया जाए। भाई एक और पुरस्कार कर देते, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर देते, एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर था, उसमें क्या दिक्कत की बात थी? उसमें उस नाम को बदलने की क्या है? मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है। कल को अगर कोई आदमी उस स्टेडियम का नाम बदल दे तो उन्हें कैसा लगेगा, उनके समर्थकों को कैसा लगेगा? तो ये तो ऐसी राजनीति है जो लोकतंत्र की मर्यादा को पालन नहीं करती है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, दुश्मनी सबके अंदर बढ़ा रही है। दूसरी सरकार आएगी, इनका नाम बदल देगी, ये पहुँचेंगे फिर इनका नाम बदल देंगे, तो इसका मतलब कुछ परमानेंट रह ही नहीं जाएगा। एक मांग ये भी है कि मेजर ध्यानचंद को लंबे समय से मांग है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो इस सरकार को सोचना चाहिए। भारत रत्न का नाम तो जब सचिन तेंदुलकर का नाम चला था तभी से चल रहा था। आज अगर इनको इतना प्यार है तो ये भारत रत्न में प्रस्तावित कर देते और उनके नाम से खेल रत्न, कोई भी अवार्ड खेल का देना चाहते हैं तो दें, लेकिन किसी का नाम बदल के देने का क्या तुक है? नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे नाम बदल रहे। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं सरकार का है।
और इस सरकार की जितनी भी निंदा की है उतनी कम है, जनता सब देख रही है। 2024 आने दीजिए, अपने आप इनको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापार सब ठप हो चुका है। अच्छा, अभी एक मुद्दा चल रहा है सर, जातीय जनगणना। पूरा बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, लगभग भाजपा को छोड़ के सब पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, या और कोई भी पार्टी हो, खाली भाजपा को छोड़ के बाकी पार्टियां चाह रही है कि जातिवार जनगणना हो। कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए, जातिवार जनगणना करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर जातिवाद जनगणना हो रही है या लोग मांग कर रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियाँ पूरे भारत में कम से कम 1,500 हैं, आरक्षण आपने 27% दिया है। अगर आप एक एक जात को लेंगे तो कोई पद अगर निकलता है और उसकी वैकेंसी 100 की होती है और 50 जनगणना को आरक्षण से क्यों आप जोड़ रहे हैं? नहीं, इसलिए मेन तो जनगणना से आरक्षण की ही बात वो करने जा रहे हैं ना। वैसे आप जनगणना कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जनगणना में प्रॉब्लम क्या है? अगर आरक्षण से नहीं जोड़ रहे हैं तो जनगणना कर लीजिए, उसमें उससे जनगणना से आरक्षण का कहीं वास्ता ही नहीं होता है। अभी जो बात हो रही है, नीतीश कुमार भी बोले हैं कि जनगणना जातिवार होनी चाहिए। नहीं, उसमें जो बात तेजस्वी यादव आपके पार्टनर हैं, वहाँ जो बात है, यादव भी हैं। नहीं भाई, वो हैं हमारे पार्टनर, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि हम सारी विचारधारा उनकी ही अपनी अपना लेंगे। अगर अपना लेते नहीं चाहते कि जाति ना हो जाती, हमारी अपनी पार्टी ना हो जाती एक, अगर हमारी उनकी विचारधारा एक होती तो। ये बात नहीं है, चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं। मेरा अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। पार्टी का पक्ष भी ये है कि भाई, जाति जनगणना से मतभेद बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि इसके बाद जब किसी की जाति का जनगणना ज़्यादा होगी तो लोग इस बात को कहेंगे कि भाई फिर हम जैसे जितनी आवाज़ नहीं उठती है दूसरी पार्टियों की, फिर कहेंगे जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी, क्या कहते हैं, हिस्सेदारी। हाँ। जितनी हमारी जात है उतनी हमारी हिस्सेदारी हो। हाँ। तो इसको कौन मना कर रहा है? हाँ। आपको कोई आगे बढ़ने से मना नहीं कर रहा है। हाँ। यहाँ तो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जहाँ पे रहेगी, आपकी मेहनत जहाँ रहेगी, वही तो आप आगे बढ़ेंगे। बैकवर्ड में क्वालिटी कम है। क्यों है? क्वालिटी बहुत है बैकवर्ड में क्वालिटी समर से किसी सूरत में कम नहीं है। हाँ, कुछ जातियाँ हैं जिनको अभी आगे आने की ज़रूरत है। क्वालिटी की बात नहीं है, सामाजिक मान्यता की बात है। समाज में जो एक सवर्ण जातियों में एक भावना बढ़ गई है कि हम उत्तम हैं और ये नीचे हैं, वो खत्म होने की आवश्यकता है और काम उस पर करने की आवश्यकता है। तो यूपी में बहन जी भी ट्वीट कर दी हैं कि ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि एससी एसटी की पहले से होते आ रही है। तो बसपा का भी आगे है। हाँ, लेकिन एससी एसटी में पहले से जाति के हिसाब से जनगणना नहीं हुई है। हुई है, अगर हुई होगी तो हर बार होती है, तभी तो उनके लिए योजनाएं बनती है कि इतनी। नहीं, एससी एसटी टोटल ना, एससी एसटी में कम से कम 150 जातियां हैं, 200 जातियां उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कितनी ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 200 जातियां उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में हैं तो उसकी जनगणना थोड़ी देर, पासी कितने हैं, चमार कितने हैं, के वो क्या कहते हैं, खच कितने हैं, इस तरह की जनगणना कहीं नहीं है और ना कहीं आपको मिलेगा इस तरह का। तो वो एक लंबा काम है और वो अननेसेसरी खर्च वाला काम है। अच्छा। इससे कुछ नहीं होना है, इससे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। जैसे सर्वे करने जाएंगे सर, तो एक सब सवाल पूछेंगे कितने पढ़े लिखे हैं, उसमें पूछ देंगे कि किस जाति से हैं, तो सवाल इससे खर्चा कैसे बढ़ जाएगा? नहीं समझे, सर्वे करने जाएंगे, जाति करने से भेदभाव बढ़ता है ना, और सामाजिक अवनता होती है। भाई, हम तो समाज को ऊपर लाना चाह रहे हैं, आप समाज को फिर नीचे ले जाना चाह रहे हैं। जाति गणना समाज नीचे चलेगा, जाति गणना से समाज नीचे जाएगा कि भाई सब लोग कहेंगे अच्छा ये वो हैं, दलित हैं, ये बैकवर्ड है, ये फला। अभी तक ये सब नहीं हो रहा था। हो रहा है ना, तभी उसी को तो खत्म करना है ना। अच्छा। वो जो असमानता हो रही है उसी को खत्म करना है। अच्छा। अगर उसको आप खत्म नहीं करेंगे तो ये तो कभी ना खत्म होने वाली चीज है। आप जाति गणना कर लेंगे, उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला है? मान लीजिए आपने कर लिया कि यादव इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, केवट इतने हैं, मल्ला इतने हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उनकी डिमांड तो अपनी अलग है ना, वो डिमांड पूरी कीजिए। जो फिर बोले कि हिस्सेदारी मांगेंगे, नहीं हिस्सेदारी वो मांगे स्वागत है, हिस्सेदारी मांगनी चाहिए उनको। अब देखिए, जैसे इसमें बात ये हुआ सर कि सवर्ण अब को EWS का आरक्षण दिया गया 10%, कई राज्यों में उनकी आबादी 10% है ही नहीं और उनको 10% आरक्षण मिल गया। जैसे छत्तीसगढ़ में बात कर लें, आबादी करीब
3-4% है और 10% आरक्षण मिला, तो आबादी से 2 गुना ज़्यादा आरक्षण से भी ज़्यादा मिल गया। और कई जगह OBC को 14% आरक्षण मिल रहा है और आबादी 50-60% है, तो ये फ़र्क है, इसके लिए आबादी की गणना जरूरी है ये बोला जाए। सवाल ये है कि जब सब आप आरक्षण में ही रख लेंगे तो भाई जो लड़के मेधावी हैं चाहे वो पिछड़ी जाति EWS में तो गया और चाहे बाकी 50, सुन लीजिए, जो पिछड़ी तो EWS में जब उतने होंगे तब ना, जो पिछड़ी जात के हों चाहे वो दलित जात के हों चाहे वो सवर्ण जात के हों, अगर वो मेधावी हैं तो उनको भी तो कहीं स्थान मिलना चाहिए ना। सब आप आरक्षण बांट देंगे तो कैसे काम चलेगा? सबके लिए तो होता है, जनरली सबको कर देना, जातिविहीन समाज कर देना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। ये बात आपकी सही लगी, समाज जातिविहीन समाज कर देना चाहिए, जातिविहीन समाज में किसी को शक ही नहीं रह जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नेताजी लोग, ममता बनर्जी बंगाल में बोलती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, राहुल गांधी बोलते मैं जनेऊ वाला ब्राह्मण हूँ, आपकी पार्टी के नेता भी बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण। हमारी पार्टी के नेता ये बोलते हैं, अपनी जात बताते जरूर हैं, लेकिन जात बताने का ये मतलब नहीं कि वो कुछ करते नहीं हैं। आप देख लीजिए, जितने भी दलित के लिए, जितने भी पिछड़े वर्ग के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं वो सवर्णों ने ही बनाया है, और सवर्णों में या तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहा है या ठाकुर प्रधानमंत्री रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये रिजर्वेशन शुरू किया था, कोई अम्बेडकर साहब ने नहीं किया था, अम्बेडकर साहब तो इसका विरोध कर रहे थे। अम्बेडकर साहब ने तो ये कहा था कि ये जो है क्या कहते हैं, दलित को जो है ऊपर उठाया जाए, उनकी पूरी ताकत की जाए, वो इसके विरोध में थे। बड़ी मुश्किल से वो 10 साल के लिए माने थे आरक्षण, 10 साल के। हाँ, अगर अम्बेडकर साहब रहते हैं तो मुझे लगता है कि 10 साल के ऊपर नहीं हो पाता, लेकिन सरकारों ने देखा कि समाज में उनको मान्यता नहीं मिल रही। अच्छा, आरक्षण देना नहीं चाहते थे बाबा साहब? नहीं, बाबा साहब आरक्षण के बहुत विरोधी थे। हाँ, बाबा साहब तो ये कह रहे थे कि आरक्षण के विरोधी थे वो, आपको शायद मालूम नहीं है। अच्छा। बाबा साहब ने संविधान सभा में इसका विरोध किया था आरक्षण का। हाँ, उन्होंने कहा था आरक्षण नहीं, इनको आप क्या कहते हैं, इनको ऊपर कीजिए, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में इनको मदद, आरक्षण आरक्षण जवाहरलाल नेहरू जी दिया। हाँ, आरक्षण देने से ये जो हैं मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, ये पॉइंट धरें कि अगर दलित पिछड़ों को आरक्षण दे दिया गया तो मेहनत नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने जो ये कहा था, जो बाबा साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब, बाबा साहब, हाँ, बाबा साहब, दलित पिछड़ों को आरक्षण दीजिएगा तो मेहनत नहीं करेगा, ऐसे पिछड़ों की बात ही नहीं थी, SC ST सिर्फ दलित की बात थी, SC ST की बात थी, SC ST की बात थी, और SC ST की बातचीत में उन्होंने ये किया था। और फिर उसके बाद ये, चूँकि समाज में इतनी वैमनस्यता थी कि अगर ये आरक्षण न किया जाता तो शायद उनको इतना ऊपर आगे बढ़ने ही ना देता समाज, तो इसलिए उन्होंने उसको बढ़ाया, हर पार्टी ने बढ़ाया उसको, अभी तक वो बढ़ता चला आ रहा है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंजर कमीशन लागू किया पिछड़ों को। तो ये ऐसे, ये जो जाति वाली होती है उसमें जब कोई आदमी समाज की सेवा करने वाला होता है तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से करता है और सबको लेके करता है। आज बैकवर्ड का जितना भी सिस्टम है वो, जो हमारे जैसे मान लीजिए यादव हैं, ये शुरू से ही विद्वान थे, पढ़ते थे, लेकिन दूसरी जातियां नहीं उसमें कंपटीशन में आ पाती थी, कुर्मी आ जाते थे, यादव आ जाते थे, जाति के अलावा और कोई आता नहीं था, बाकी सब लोग, इससे उनको फायदा। अभय दुबे ऐसा ही कुछ लिखे हैं अपना आर्टिकल में दैनिक भास्कर में कि कुशवाहा, कुर्मी, यादव, यही लोग आरक्षण का मजा ले, बाकी ये जातियां और जातियां नहीं आ पाती थी। तो अब ये है 27% आने से ये है कि अगर ये लोग मेहनत करें तो इतने लोगों को मिल सकता है। अच्छा अच्छा, तो ये नई जानकारी सर से मिली हमको, ठीक है। और जो जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर जो कहलाते हैं और ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे मेजर ध्यानचंद, उनके नाम से राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम कर दिया गया है, अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पर इनसे बात हुई, आरक्षण पर बात हुई, सर नाम बता दीजिए फिर से। ओंकार नाथ सिंह जिसे हमारी बात हुई, प्रवक्ता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के, तो इनसे बातचीत हमारी आप कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।